हम जरूर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि तो अब बोलने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है और सुनने वाले को भी स्टेज का साथ जो फासला है नहीं होना चाहिए बिल्कुल, इसलिए उसको लेके आ जाए सामने बिल्कुल हिसाब है कि नहीं। तशरीफ ला चुके हैं, अभी आप हमको एक बात सुनेंगे। मैं फिर चंद मिनटों के लिए यहाँ से आया हूँ, आप मुझे बर्दाश्त करें। आइए सबसे पहले झूम कर दूर पाक चंदर हाजिर खिदमत है न वो सूरज चमकता है, कहिए सुभान अल्लाह, न वो सूरज चमकता है न ये चंदा चमकता है, न वो सूरज चमकता है न ये चंदा चमकता है, न वो सूरज चमकता है, न वो सूरज चमकता है, निगाहें इश्क में बस गुम बदे खजरा चमकता है, निगाहें इश्क में बस गुम बदे खजरा चमकता है। बड़ी तेजी के साथ हजरात ये सूरज चांद तारे दे के शर्मा गए सारे, ये सूरज चांद तारे दे के शर्मा गए सारे, ये सूरज चांद तारे दे के शर्मा सूरज चांद तारे दे, ये सूरज चांद, ये सूरज चांद तारे दे के शर्मा गए सारे, मुझे का चेहरा चमकता है, कुछ सामना का चेहरा चमकता है। आखिरी शेर समाप्त कर ये फर्क आलम इस्लाम के मुफ्ती सभी बोले, ये फर्क आलम इस्लाम के मुफ्ती सभी बोले, ये फर्क आलम इस्लाम के मुफ्ती सभी बोले, ये पढ़ कर आलम इस्लाम, ये पढ़ कर आलम इस्लाम, ये पढ़ कर आलम इस्लाम के मुफ्ती हिंदुस्तान
जिन लोगों को डर लगेगा वो लोग तो नहीं आएंगे, इसलिए कि हिंदुस्तान में किसी के बाप की जागीर नहीं है, न राजा की चलती है न महाराजा की चलती है, हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है। अब बात सच्ची है तो सुन लीजिए, आपके भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यह हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, हर धर्म के लोगों को यह हक है बराबर। आप लोग आएंगे सामने भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग, मुझसे बड़े, मुझसे 20 साल के बड़े, मुझसे अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मुस्कुराते हैं और अपने हाथों को बुलंद करके खड़े होकर यहाँ पे आ जाए भाई, जो हालात इधर सामने है, सामने यहाँ पे जगह सारी पड़ी है, एक साइड में दो तीन लोग उधर बैठे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, आ जाइए भाई, आ जाइए, आइए आइए, करीब आके बैठ जाइए, बहुत अच्छे था मैं नामदार, अल्लाह आपदार को सलामत रखे। मैं कोई वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत लंबी पैरिस है, तकरीबन आज से फोटवा ऐसे भरे हैं जिसको आपको पूरी रात समाज करनी है, हिंदुस्तान के बहुत अजीम आवाज के मालिक जनाब मोहतरम भाई अख्तर प्रवास नहीं भी मुरादाबादी, थोड़ी देर के बाद मैं मंडूर पर हो गया, मैं बिला किसी तरह के बिला किसी इंतजार के आपके समाजों के हवाले हिंदुस्तान के बहुत अजीम खदीब को आपके हवाले करना चाहता हूँ, जिनको आज पूरा हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना शाहबाज आलम साहब तुगलक बंगाल के नाम से जानती है, पूरा यहाँ पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक इस्तेमाल कर लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरिक़े आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।